फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एजुकेशन। आज हम जानेंगे कि एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। तो लेट्स नो अबाउट द फैक्ट, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एक्चुअली एक्सक्रेटरी सिस्टम। द फर्स्ट वन थिंग इज दैट आई वांट टू से अबाउट, देखिए एक्सक्रेशन यानी जो बॉडी से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव होता है, इस प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहते हैं। यू नो द प्रोसेस इज रिटन इज हियर, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रेशन। And the organ these are participate or involved in the excretion is known as excretory organ। यानी जो सारे organ participation करते हैं excretion के लिए, उस organs को हम excretory organ कहते हैं। Exactly the next point, the nature of nitrogen containing waste and their excretion varies among species depend upon their availability of it। यानी जो nitrogenous waste होता है, जो एक्सक्रेशन फॉर्म में बाहर निकलते हैं ना, ये अलग अलग टाइप का होता है डिपेंडिंग टू द स्पीशीज। लाइक यू कैन सी द बिलो राइट, एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। जान लेते हैं थोड़ा सा कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो होता है डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन सा होता है, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स। ओके, तो यू कैन सी हियर प्लाज्मा लेमा, दिस वन इज प्रोटोजोन्स लाइक एमोइबा। यानी ये जो ड्राइंग है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमोइबा एंड दिस इज ड्राइंग ऑफ एमोइबा। हम देख सकते हो कि ये जो एमोइबा होते हैं, इसमें जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है ना, इसको कहते हैं प्लाज्मा लेमा। समझ में आया? ओके, सेकंड, जैसे कि सिलेंट्रेटा एंड स्पॉन्जेस राइट, स्पॉन्ज एंड सिलेंट्रेटा में जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, इसको कहते हैं जनरल बॉडी सर्फेस। यानी जो बॉडी सर्फेस, सोच लो कि दिस इज द स्पॉन्ज, ओके, एंड द स्पॉन्ज विच इज एक्सक्रेट द बॉडी वेस्ट थ्रू द बॉडी सर्फेस, ओके, तो इसको कहते हैं जनरल बॉडी सर्फेस। और एक देखते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स क्या होते हैं? फ्लेम सेल्स के बारे में जानना चाहिए हमको कि फ्लैटी हेलमेंटिस जो होते हैं, जो टेनिया एंड फेशियल हेपेटिका, इसमें फ्लेम सेल्स एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन दैट इज फाउंड इन द फ्लैटी हेलमेंटिस, दैट इज नोन एज फ्लेम सेल्स। एंड अनदर इज एनिलिडा। एनिलिडा यानी द रिंग्स लाइक जो बॉडी का सेगमेंट होता है, एनिलिडा होता है। एनिलिडा में जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, इसको बोलते हैं नेफ्रिडिया। दिस इज द नेफ्रिडिया फाउंड इन द एनिलिडा। एंड आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोस मीन्स जॉइंटेड एंड पोड्स मीन्स लेग। यानी जो जॉइंटेड फूड होते हैं, जैसे कि आई थिंक यू नो इंसेक्ट लाइक हॉनी बी, ओके, दिस आर बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोड्स। एंड उसमें पाई जाती है, दैट इज नॉन एज माल्फिगियन ट्यूबल्स। ऑल राइट, एंड अनदर वन इज स्पाइडर। स्पाइडर में आप देखते हो कि जो एक कॉक्सल ग्लैंड होता है, जो कॉक्सल ग्लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंट कॉम्पिटेटिव इवन इन नीट एंड नेट में पूछा जाता है। कॉक्सल ग्लैंड जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो स्पाइडर में पाए जाते हैं। ऑल राइट, एंड किडनी के बारे में तो हम सबको पता है कि किडनी इज अ मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन ऑल बॉडी फ्लूइड्स, ओके, जैसे कि ह्यूमन बींग एंड अदर मामल्स, जैसे कि ऑल बॉडी फ्लूइड्स में किडनी जो एक्सक्रेशन करने के लिए आई थिंक मदद करता है, राइट ना, और विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इवन दैट इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन। एंड द लास्ट वन इज एंटीनल ग्लैंड्स। एक ग्लैंड्स है जो एंटीनल ग्लैंड्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रेशन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, राइट, जो कि क्रस्टेशियन क्रेफिश में देखा जाता है, राइट ना, ओके, ऑल राइट। एंड देखते हैं कि टाइप ऑफ एक्सक्रेशन बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स। देखिए कि डिपेंडिंग अपन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रेटेड, देयर आर थ्री मोड्स ऑफ एक्सक्रेशन। यानी बेसिकली ये जो एक्सक्रेशन होता है, दिज आर थ्री मोड्स ऑफ एक्सक्रेशन, ओके, इसको मोड्स लिखेंगे। दिज आर एमिनोटेलिक, और इसको एमिनोटेलिज्म कहते हैं, यूरोटेलिक, एंड दिस यूरोटेलिज्म, एंड दिस इज नॉन एज यूरिकोटेलिक, और यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। तो जानते हैं जो एमिनोटेलिज्म जो प्रोसेस है एक्सक्रेशन, ठीक है, वो कहाँ होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। यानी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है बॉडी से बाहर निकलता है, जो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो इन प्रोडक्ट से कन्वर्ट होता है, जो एंड प्रोडक्ट को हम कहते हैं एमोनिया।
यानी जो ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रेशन सिस्टम में लास्ट बार इन प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं दैट इज द एमोनिया, उसको कहते हैं एमिनोटेलिक एनिमल्स, और इस प्रोसेस को एमिनोटेलिज्म कहते हैं. ऑलराइट, एंड अमीनो इज अ फॉर्म बाय ऑक्सीडेटिव डिमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड. यानी देखिए, एमिनोसिस इज फॉर्म बाय ऑक्सीडेटिव डिमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड. यानी जो एमिनो एसिड फॉर्म होता है, सॉरी एमिनो फॉर्म होता है, एमिनो एसिड से बनता है. एंड जो इसमें लिखा हुआ है लास्ट वन, एक्सक्रेशन इज फाउंड इन एक्वाटिक एनिमल्स लाइक प्रोटोजोन्स. जैसे कि एक्सक्रेशन बेसिकली ये जो एमिनोटेलिक होता है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं. जैसे कि आप कहते हो कि सम प्रोटोजोन्स लाइक एमोइबा, पैरामीशियम, स्पॉन्जेस, ओके पैरामीशियम, एंड एग्जाम्पल लाइक सिलेंट्रेटा एंड अदर एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क एंड वर्निफिसेस एंड फ्रॉग्स में ये जो सिस्टम पाई जाती है जिसको कहते हैं हम एमिनोटेलिज्म. दिस प्रोसेस और जो ऑर्गेनिज्म इसमें जानते हैं यूरियोटेलिज्म होता क्या है. एग्जैक्टली यूरियोटेलिज्म जो प्रोसेस है ना, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बॉडी से, जो एंड प्रोडक्ट बाहर निकलता है इसको यूरिया कहते हैं. यानी यूरियोटेलिज्म इज अ एक्सक्रिएशन मैकेनिज्म इन विच द यूरिया इज रिलीज्ड एज अ एंड प्रोडक्ट एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट. ओके, इसको कहते हैं यूरियोटेलिज्म. यानी जिस ऑर्गेनिज्म यूरियोटेलिज्म प्रोसेस से जो एक्सक्रेशन करते हैं उसको यूरोटेलिक बोलते हैं. ओके, गट माई पॉइंट. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी है, बेसिकली जो यूरोटेलिक एक्सक्रेशन इज फाउंड दोज एनिमल्स विच कैन टेक इन द वाटर एंड कैन रिटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ यूरिया इन देयर ब्लड. ओके, एंड इट इज कॉमन मेथड ऑफ एक्सक्रेशन इन मेन वेल, सील्स, कैमल्स, कंगारू, टॉड्स फ्रॉग एंड शार्क. अभी जानते हैं कि यूरिकोटेलिज्म होता क्या है. जो ऑर्गेनिजम्स यूरियोटेलिज्म मेथड से एक्सक्रेशन करते हैं उस ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि यूरिकोटेलिक. ऑलराइट, एंड देन द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी से बाहर आई थिंक रिलीज होता है इसको यूरिक एसिड कहते हैं. दीज आर क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड. ओके, एंड इज अ कॉमन इन बर्ड्स. यानी ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली बर्ड्स में दिखने के लिए मिलता है. एंड दिस इज लैंड रेप्टाइल्स में, स्नैक्स में, लिजर्ड्स, इंसेक्ट एंड स्नेक्स में ये जो मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है. एंड यूरिक एसिड इज लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड लेस टॉक्सिक. यानी जो यूरिक एसिड होता है इट इज अ लेस सॉल्युबल एंड इज अ लेस टॉक्सिक. ओके, एंड हियर इज द अनदर लाइन, फॉर्म फ्रॉम एमोनिया इन द लिवर ऑफ यूरिकोटेलिक एनिमल्स माल्फी एंड ट्यूल्स. यानी जो प्रोसेस होता है इंसेक्ट में, ओके, ये जो दैट इज द प्रोसेस माल्फिक एंड ट्यूबल्स में होता है जो कि एमोनिया से कन्वर्ट होता है दैट इज, एंड देन फाइनली यूरिक एसिड में बन जाता है. ओके, एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल.